कल्टों के लहरी चमक चलोरा नहीं, संसद जो है चिराग पासवान जी वही अच्छे लगते थे, यहाँ नहीं। पप्पू यादव भी अच्छे नेता हैं, ठीक है। और फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का हुआ, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट हुआ। आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, उसका पांचों कैंडिडेट को देख लीजिए। अपने जीजाजी को दिया अशोक चौधरी एमएलसी, अशोक चौधरी मंत्री जी की बेटी शांभवी चौधरी को दी। हमारे मोदी जी पलायन कर रहे हैं, कभी रूस और रशिया घूम रहे हैं। अच्छा। तो पलायन मोदी जी रोक ही नहीं रहे, तो बिहार कैसे पलायन करेगा। 2025 का भैया चुनाव आने वाला है, बिहार में आए दिन पुल गिर रहा है, बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है। इस बार 2025 में सरकार बदलेगी या सरकार क्या होगा, इस बार आप बताइए अपनी राय। जैसे पुल गिर रहा है वैसे इस बार सरकार गिरेगा। अच्छा। 2025 में। अच्छा। ठीक है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। अच्छा। बिहार मांग रहा है तेजस्वी सरकार। अच्छा। बिहार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तेजस्वी सरकार, ताकि तेजस्वी यादव बिहार कहाँ मांग रहा है। लोकसभा में तो आरजेडी को बहुत कम सीट आया, विधानसभा तो झांकी था, अभी पूरा विधानसभा बाकी है। ठीक है, पूरा विधानसभा बाकी है। कहने का मतलब है सुलझे हुए नेता हैं तेजस्वी यादव, उलझे हुए नहीं है नीतीश कुमार की तरह, कि नीतीश कुमार भी 17 महीना उनके साथ रह के अपने आप को युवा समझने लगे, जहां तहां जाके पैर पकड़ लें किसी का। चिराग पासवान कैसा चेहरा है? चिराग पासवान कौन? चिराग, चिराग पासवान 5 सीट बिहार में जीत के लाए हैं लोकसभा में। पप्पू यादव कल्टों के लहरी चमक चलोरा नहीं, वो तो आप ही ना बताइए। वही अच्छा लगता था वो। अच्छा। वही अच्छा लगता था वो संसद जो है चिराग पासवान जी, वही अच्छे लगते थे, यहाँ नहीं। यहाँ बिहार मांग रहा है तेजस्वी सरकार। पप्पू यादव भी अच्छे नेता हैं। अच्छा। ठीक है, लेकिन एक टर्म मांग रहा है, कहे कि 17 महीने का कार्यकाल जो बिहार देखा है, 14 करोड़ की आबादी, वो बिहार मांग रहा है तेजस्वी सरकार। 17 महीने का जो कार्यकाल देखा है, चाहे वो नौकरी का बाहर हो या जिस तरह से हमारे युवा नेता तेजस्वी यादव हॉस्पिटल का जायजा ले रहे थे 2 बजे रात में, जो वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी थे वो तो बच गए, और जो ड्यूटी में नहीं थे उनको सस्पेंड कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया। वैसे ही अभी हमारे बिहार में 2-2 को ड्यूटी सीएम बने हुए हैं, एक सम्राट चौधरी हैं, एक और बने हुए हैं। ठीक है, वो कोई जायजा नहीं ले रहे हैं, कोई विकास से बात नहीं कर रहे, कहीं नहीं जा रहे, कोई जायजा नहीं ले रहे हॉस्पिटल का, ना स्कूल का, ना कॉलेज का, कहीं नहीं जा रहे। तो हमको विकास दिख रहा। आज तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है, महंगाई पर बात की है, बेरोजगारी पे बात की है। मोदी जी कहा नहीं कर रहे हैं, मोदी जी क्या ना कहीं बिहार में बीजेपी अच्छा नहीं कर रही, आपके कहने का मतलब ये है? अरे भैया, उतना लैला नहीं पिटाया मजनू के प्यार में जितने बेरोजगार पिटाए भाजपा सरकार में। अच्छा, क्या भैया सहमत है? सहमत है, 25 में सरकार चेंज होने वाली है। तो तेजस्वी यादव या चिराग पासवान या पप्पू यादव? देखिए, पप्पू यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, सांसद के लायक ठीक है, हम लोग उन्हीं के साथ जुड़े हुए पप्पू यादव के साथ ही, लेकिन बिहार का सीएम के रूप में तेजस्वी यादव को ही देखना चाहते हैं। तेजस्वी यादव तो उसका विरोध किए थे पूर्णिया में। देखिए राजनीतिक में कहा जाता है कोई किसी का हमेशा दोस्त और कोई किसी का हमेशा दुश्मन नहीं रहता है। जो इस पप्पू यादव के खिलाफ बीमा भारती लड़ी थी, उसी पप्पू यादव उसी के प्रचार किए थे, तो कोई उससे नहीं होता राजनीति में, कोई परमानेंट कोई। चिराग पासवान बोलते हैं फर्स्ट बिहारी, बिहार को वो फर्स्ट बिहार बोलते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का हुआ, परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट हुआ। आप लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, उसका पांचों कैंडिडेट को देख लीजिए। अपने जीजाजी को दिया अशोक चौधरी एमएलसी, अशोक चौधरी मंत्री जी की बेटी शांभवी चौधरी को दी। काहे उससे योग नेता नहीं था उसके पार्टी में, युवा सब झंडा ढोएगा उसके पार्टी का, और चिराग पासवान पैसे लेकर टिकट बांट देंगे। राजेश वर्मा भागलपुर का 5 करोड़ रुपया देकर टिकट दिया गया। बिहार का भविष्य नहीं, हम ही अथी में खड़ा हो रहे हैं, 2025 का इलेक्शन हम भी लड़ेंगे। अगर देखिए तेजस्वी जी अगर मुख्यमंत्री बनने लायक है ना, तो हम डिप्टी सीएम बनने लायक है। मजाक से हटके, 2025 का इलेक्शन हम भी लड़ेंगे। तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सोचे लड़ लेते हैं कहीं मुख्यमंत्री। तेजस्वी यादव बेस्ट है या चिराग पासवान या पप्पू यादव? बोल रहे हम इलेक्शन लड़ेंगे, दूसरा कहे सपोर्ट करेंगे, हम ही इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या बोले क्या, चिराग पासवान बेहतर है या तेजस्वी? आपको नहीं मालूम है? हमको मालूम नहीं, आप वोट करते हैं, आप बताइए। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, राजा भोज और गंगूतली में कभी कभी कंपेरिजन हुआ है? चिराग तेजस्वी यादव की खुद की क्या इलेजिबिलिटी क्या है? तेजस्वी यादव की क्या, सुनिए ना, बाप सोने का चम्मच पैदा लेने से नहीं होता है। पहले पढ़ाई करने गए, आप बता रहे हैं सच बात बोल रहे हैं, पढ़ाई करने गए, लौवा पास नहीं किया, ठीक है। उसके बाद से क्या दिल्ली कैपिटल की तरफ से क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट टीम का बढ़ावा पर ले रहे हैं, दिल्ली कैपिटल के खिलाड़ियों को पानी पिलाए हैं,
जूडो के आप लोग क्रिकेट टीम के बराबर प्लेयर को जो जो नहीं एक सफल क्रिकेटर रहा है नहीं एक सफल मतलब राजनीति वाला रहा है उसको आप जूडो के जय जय आप लोग जय जय लगाते हैं। बिहार का भविष्य उनको क्या समझेंगे जब खुद का करियर नहीं बना सके तो बताइए ना। इसका कहने का मतलब है कि बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव नहीं है बराबर। और आप बताइए भैया पप्पू यादव कैसे नेता? पप्पू यादव बढ़िया नेता है। बढ़िया नेता है। जब पप्पू यादव बढ़िया नेता है तो उसका विरोध तो तेजस्वी यादव खुलेआम किए थे लोकसभा चुनाव में। कुछ गलती रहा होगा तभी ना तेजस्वी यादव विरोध कर रहे हैं, कुछ ना कुछ रहा होगा इसीलिए कर रहे हैं। और ऐसे वो बढ़िया नेता है पप्पू। अच्छा ये बताइए आए दिन बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है, जो भी सरकार आई है नीतीश कुमार की सरकार हो या आरजेडी की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो जो भी है बिहार के सबसे बड़ी समस्या कैसे रुकेगा। हमारे मोदी जी पलायन कर रहे हैं, कभी रूस और रशिया घूम रहे हैं। अच्छा। तो पलायन मोदी जी रोक ही नहीं रहे हैं तो बिहार कैसे पलायन करेगा। अच्छा। वो रोक दे पलायन। अच्छा। विदेश जाना छोड़ दे। हमको तो कभी कभी लगता है कि इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है वो विदेश के प्रधानमंत्री है। कुछ होता है कभी रूस भागते हैं तो कभी ऑस्ट्रेलिया भागते हैं तो कभी लंदन। क्या भैया मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है? नहीं, नहीं। इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं है? हैं अभी हैं, बाकी 2 महीने के बाद नहीं रहेंगे। अच्छा 2 महीने के बाद नहीं रहेंगे, 2 महीने के बाद सरकार गिर जाएगी? कंफर्म गिर जाएगी। अभी से ही चल रहा है अथी। और जहाँ तक नावा फेल के बात है कि तेजस्वी यादव नावा फेल है, नावा फेल एक 30 साल का लड़का बड़े बड़े विद्वान को उतार दिया बिहार के रोड पे उतार दिया, इसमें क्या है? 4 सीट आ गया। अरे ठीक है 1 सीट भी नहीं आया, ठीक है 1 सीट भी नहीं, ठीक है हम समझ रहे हैं 1 सीट भी नहीं आया। आप यहाँ बोलिए ये लोग क्या है जानते हैं? 1 सीट भी नहीं आया उसे मतलब नहीं है। बाकी एक नवा फेल का लड़का जो अब नवा फेल बोल रहे हैं बढ़िया बढ़िया ठीक है महाराथी को उतार दिया बिहार के रोड पर, रोड शो करवा दिया, इससे बड़ा औकात क्या चाहिए? भैया भैया इतना कुछ छोड़िए ना, ये जो सब देखिए ये घुमाइए कैमरा घुमाइए एक बार देखिए। जानते हैं ये लोग का क्या है? जैसे नीतीश चाचा गठबंधन में चुनाव लड़े 2024 का लोकसभा, जब देखिए जब हाथ में दिया था देखने के लिए तो ऐसे करके नीतीश चाचा देख रहे थे भाई हमारा तीर तो है ही नहीं है, है ना? तो बिहार में तीर का कहीं नामे नहीं है। लोग बोल रहा चिराग बेस्ट है या तेजस्वी, अब आसमान और जमीन मिलाइएगा तो होगा भैया। ठीक है लोकसभा की बात करता है, 4 सीट लाया है 5 सीट लाया है ठीक है अच्छी बात है, केंद्र में सरकार है ना उनका, केंद्र में सरकार है ना। अच्छा एक बात बताए हल्ला करने नहीं दीजिए, अच्छा काम कर रहे हैं माहौल बना रहे हैं। हाँ हाँ माहौल बना रहे हैं। अच्छा एक बात हिंसा कौन फैलाता है? अच्छा ये बताइए भैया बिहार में